सो गाइस पहले आप सभी को करना क्या गाइस, इस बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना गाइस, ठीक है। तो मैं इसको आप तो सभी को ये सारे कुछ मतलब पीएनजी बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस मैंने ये सब पीएनजी लगा लिया, तो गाइस हम करते हैं डन। एंड गाइस जाएंगे हम इफेक्ट्स में, ठीक है गाइस। इफेक्ट्स में जाएंगे एंड ब्लर में जाएंगे, एंड ब्लर की ओपेसिटी रखेंगे गाइस हम अराउंड 5 तक रखेंगे, 5, 7 या 9 तक रखेंगे गाइस, ठीक है। तो इसको हम डन करेंगे यहाँ से एंड जाएंगे गाइस ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम अपने मॉडल को ले लेंगे। तो गाइस मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो की लिंक दे रखी है, मैंने दोनों में प्रॉपर समझा रखा है। तो गाइस आप सिंपली वीडियो को देख लेना एंड बैकग्राउंड को रेस कर लेना, ठीक है। तो गाइस आप सभी को करना क्या, मैंने मॉडल को लगा लिया, हम डन करते हैं। एंड गाइस ऐड फोटो में जाना है एंड आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना गाइस एक बार, ठीक है। तो ये आप ये PNG भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी उसको ऐसे रोटेट करके एंड इफेक्ट में जाना है और उसको ब्लर करना गाइस, ठीक है। एंड वही आप सभी को रखना है, इसको 9 तक रखना गाइस, ठीक है, 9-10 तक, एंड डन करना, ठीक है। एंड इसको थोड़ा रोटेट करके एंड थोड़ा नीचे की साइड लगा लेना है एंड सिंपली डन कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या, देखिए अब जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला PNG दोबारा नहीं सॉरी ये वाला PNG नहीं गाइस, ये वाला PNG लेना है, ठीक है। इस PNG का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टेम पहले कम करेंगे एंड साइज़ को छोटा करेंगे एंड इसको हम इस जगह पे लाएंगे। तो गाइज अगर आप हो सके तो आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन, तो गाइज आप उसको मतलब एक्स्ट्रा फ़ोन को अपने मतलब यूट्यूब को ओपन करके इस तरीके से आप इसे क्लिप फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है। और नहीं हो तो गाइज आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन होता है गाइज आप भी मेरी तरह से कवर लेके आप फोटो क्लिक करा लेना एंड उसके बाद ये वाला PNG लगा लेना, ठीक है गाइज। तो लगाने के बाद ये साइड का जो एरिया इसको आपको रेस कर लेना है, ठीक है। एंड सिंपली ओपेसिटी फुल करके डन कर देना है। एंड गाइस आप सभी को क्या करना है गाइस, इफेक्ट्स में जाना है गाइस, ठीक है। दोबारा इफेक्ट्स में जाना है, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद इफेक्ट्स में जाने के बाद आप सभी को इसमें ब्लर में जाना है। एंड गाइस आप सभी को ये फोकल जूम वाला है ना गाइस, इस वाले ऑप्शन को लेना है एंड डन कर देना गाइस, ठीक है। एंड अब करना है गाइस कलर करेक्शन एंड सिंपली हम करेंगे यहाँ से फोटो को सेव, ठीक है गाइस। तो फोटो को सेव करने के बाद गाइस हम लाइटरूम ऐप को ओपन करेंगे एंड ऐड फोटो में जाएंगे एंड अपनी फोटो को ओपन करेंगे, ठीक है गाइस। एंड फोटो को ओपन करेंगे, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद गाइस क्या करना है, ये लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना, हाईलाइट्स को कम करना है, शेडो को कम करना है एंड ब्लैक को कम करना है गाइस, ठीक है। एंड इसका नीचे वाले टूल में जाना है एंड वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स में जाना है, रेड कलर की ह्यू को बढ़ाना है एंड सैचुरेशन को कम करना है। एंड ऑरेंज कलर में जाना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को कम करना है। एंड गाइस ब्लू कलर में जाना है फिर आप सभी को एंड इसके ह्यू को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है। एंड गाइस डन करना है एंड नीचे वाले टूल में जाना है, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। एंड विग्नेट डालना है गाइस, ठीक है। एंड ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड गाइस जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड कलर नोड रिडक्शन को बढ़ा देना है एंड नोड रिडक्शन को भी बढ़ा देना है कलर नोड रिडक्शन को। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।